बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ा समीकरण हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश में दो बड़े नेता एक साथ आ जाए तो। दरअसल जेल के अंदर गठजोड़ राजा भैया की पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अतीक अहमद, जिनका इलाहाबाद प्रयाग के साथ साथ कई क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के जेल में कैद अतीक अहमद से मिलने के लिए कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पहुंचे हैं। मिली सूचना के मुताबिक दोनों के बीच जेल में आधे घंटे तक बातचीत हुई है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बातचीत हुई है और हो सकता है कि राजा भैया की पार्टी से अतीक अहमद राजनीतिक गठजोड़ कर ले, जिसके बाद दो दबंगों की राजनीतिक डील से पूरी तरह से पूर्वांचल का समीकरण बदल सकता है। हाल ही में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल नाम की अपनी एक पार्टी बनाई है। जानकारी के मुताबिक राजा भैया की प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव के साथ भी चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है। बरेली जेल से लोकसभा चुनाव की तैयारी में है अतीक अहमद। ऐसे में अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब अतीक अहमद ने कहा था कि बरेली में रहकर आराम से लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और अतीक अहमद ने कहा कि अब वो पत्ते खोलने वाले नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव तो वो जरूर लड़ेंगे। ऐसे में राजा भैया के प्रतिनिधि के रूप में अक्षय प्रताप सिंह माफिया से मिलने पहुंचे हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अतीक अहमद का अगला ठिकाना जनसत्ता दल हो सकता है। जेल के अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा ने मीडिया को बताया कि दो दिन पहले अक्षय प्रताप का फोन आया था, तब मैंने उनके नियमों के तहत आने के लिए कहा था। शुक्रवार को पूर्व एमएलसी अक्षय प्रताप अपने कुछ साथियों के साथ जेल पहुंचे और अतीक अहमद से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात को बहुत बड़ा मुलाकात बताया जा रहा है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ सकती है, जहां पर दो बाहुबली नेता अगर एक साथ आ जाते हैं तो बहुत बड़ा समीकरण में बदलाव देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटें इससे प्रभावित होंगी। ऐसे में दोस्तों इसी तरह की बड़ी खबरें आपके सामने हम लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई लेकर आते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक एक पल की अपडेट के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।